हेलो बच्चा पटेल, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 11 का जी बुक फॉलो कर रहे हैं हम। आरएस अग्रवाल, टॉपिक है हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इस वाले एक्सरसाइज का हमने ऑलरेडी 1 से लेकर के 20 तक पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, क्लास 12 आरएस अग्रवाल एप्लीकेशन ऑफ डेरेवेटिव के नाम से मिलेगा। ठीक है ना बच्चों, सबसे पहली बात कि टीचर जब क्लासरूम में आते हैं तो कुछ बच्चे को जब डांट पड़ती है ना, तो बच्चे को दिल में बहुत ही चोट लग जाता है ना, और यहाँ पर बैठा लेते हैं कि सर ने हमको ऐसे कहा वैसे कहा, और सर की बात उसको क्या होती है, चुभने लगती है ना। तो एक चीज हमेशा सीखो, इसका एग्जाम्पल से समझो कि सुई जब कपड़े पर चलती है तो एक बेहतरीन पोशाक बनाती है। इसका मतलब ये है कि हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता है। इसी प्रकार के जो टीचर का जो बात होता है ना, वो चुभता जरूर है लेकिन उसका मकसद बुरा नहीं होता है। आप भी बेहतरीन बनिए, इसके लिए आपको बात कहा जाता है। ठीक है, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है 21 में, फाइंड द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन fx = 6 - 9x - x² इज, क्या निकालना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, क्या निकालना है हमको, इंटरवल। यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। fx = कितना दिया हुआ है, 6 माइनस 9x माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब इस डिफरेंशिएट करेंगे तो fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, 6 कांस्टेंट है 0 माइनस 9 इनटू x का डिफरेंशिएशन 1, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक है, ये रहा हमारे पास f डैश x, यहां पर फाइनली माइनस 9 और माइनस 2x है। ठीक है, अब यहां से चलो हमें क्या निकालना है, इंटरवल। इंटरवल निकालने के लिए क्या हम तरीका बताएं, डिफरेंशिएशन निकालने के बाद हम क्या करेंगे, पुट f डैश x = 0 और यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस 9 और माइनस 2x = 0, तो माइनस 2x ठीक है उधर जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 9 बाई 2 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, एक इंटरवल बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम, एक इंटरवल बनाएंगे, तो माइनस 9 बाई 2 मान लो यहाँ 9 बाई 2 यहाँ आ गया, इधर प्लस इनफाइनाइट होता है, इस साइड को क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट। देखो माइनस 9 बाई 2 कहने का मतलब ये कितना हो गया, माइनस 4.5 हो गया, नहीं ना। अब क्या करेंगे, जो फंक्शन है यहाँ पर f डैश x को लिखिए, f डैश x को लिखेंगे कितना है, माइनस 9 माइनस 2x। ठीक है, तो अब माइनस 4.5 से जस्ट बड़ा वैल्यू क्या होगा, जस्ट बड़ा वैल्यू क्या होगा, माइनस 4 होगा। ठीक है ना, तो इस इधर माइनस 4 इस साइड इधर आएंगे तो क्या होगा, माइनस 5, इससे जस्ट बड़ा वैल्यू क्या ले लेंगे हम, बोलो बोलो, इस पे पुट कर दो, माइनस 4, तो माइनस 4 लेंगे तो माइनस 9 माइनस 2 इंटू माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इधर यहाँ हो जाएगा आपके पास माइनस 9 और प्लस 8, ये कितना हो जाएगा, माइनस 1, तो माइनस 1 निकला, इसका मतलब ये क्या निकला हमारा, निगेटिव। तो इस साइड का कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे इसमें क्या निकलेगा, ये निगेटिव निकलेगा, क्या निकलेगा, ये नेगेटिव निकलेगा। अब माइनस 4.5 से छोटा वैल्यू क्या होगा, माइनस 5 मान लो पुट कर देते, f डैश माइनस 5, तो माइनस 9 माइनस 2 2 x के जगह पर माइनस 5, तो ये हो जाएगा माइनस 9 और प्लस 10, ये क्या देगा, 10 में से 9 गया कितना बचेगा, प्लस 1, इसका मतलब क्या देगा, पॉजिटिव, ये क्या दिया हमारा, पॉजिटिव। तो क्या है रूल, नेगेटिव वाला पार्ट क्या देता है, इंक्रीजिंग, तो यहां से माइनस 9 बाय 2 से प्लस इनफाइनाइट तक इधर का जितना भी वैल्यू है वो क्या देगा हमारा, इंक्रीजिंग, क्या देगा हमें, इंक्रीजिंग। ठीक है, इधर वाला जितना भी वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक पूरा 9 बाई 2 से लेकर के माइनस 9 बाई 2 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक ये क्या देगा हमारा, सॉरी, निगेटिव वाला क्या देता है हमारा, डिक्रीजिंग, और ये पॉजिटिव वाला पार्ट क्या देता है हमारा, इंक्रीजिंग। ठीक है, लेकिन अगर 9 बाई 2 को लेके चल रहा है कि हमें क्या कहता है, सॉरी 9 बाई 2 को छोड़ के चल रहा है क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो अगर 9 बाई 2 को छोड़ के चलेंगे तो इस पे क्या मिलेगा हमारा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इस पे क्या मिलेगा हमारा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखते हैं ए वन नंबर में क्या है हमारा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन किस पे, माइनस इनफाइनाइट से, माइनस इनफाइनाइट को पहले लिखो कॉमा माइनस 9 बाई 2, दोनों को ओपन रखेंगे। बी में क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन कितना पर, माइनस 9 बाई 2 से लेकर के कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक, देखा ना, यही हमारा इंटरवल हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों
अब क्वेश्चन है हमारे पास 22 नंबर से, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं सबका क्या निकालना है, इंटरवल। इसका हेडिंग है फाइंड द इंटरवल ऑन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ऑप्शन ए, सॉरी क्वेश्चन नंबर ए में इंक्रीजिंग के लिए और डिक्रीजिंग के लिए। इससे पहले क्या था हमारा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, चलो इंटरवल निकालना है। तो सबसे पहला बात यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन क्या निकालेंगे हम, बोलो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। तो एफ डैश एक्स, एक्स का पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 4x³, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² बाय 3, ये काट दो यहाँ से। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना निकला बोलो, 4x³ माइनस कितना इधर से x² निकला। अब यहाँ पर से क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू कितना, सॉरी एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे। एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना है, 4x³ इज माइनस x² बराबर 0। तो 4x³ इक्वल टू x² उधर चल जाएगा, यहाँ से ये कट गया। तो 4x इक्वल टू कितना निकला 1, तो x इक्वल टू कितना 1/4। अब क्या करेंगे हम, एक नंबर लाइन बनाएंगे। तो नंबर लाइन बनाइए, इधर होता है माइनस इनफाइनाइट, इधर होता है प्लस इनफाइनाइट। x का वैल्यू कितना 1/4, 1/4 कहने का मतलब क्या होता है, 0 point something होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर से जो एफ डैश एक्स है उसको यहाँ लिखिए, तो एफ डैश एक्स इज कॉस्ट टू 4x³ माइनस कितना x², ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, 1/4 से बड़ा वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो क्योंकि ये 0 point something होगा, 0.25 के आसपास, इससे बड़ा वैल्यू कौन सा होगा, 1 होगा। तो इसको बड़ा वैल्यू, इससे बड़ा वैल्यू पुट कर दो 1, तो 4 × 1³ माइनस कितना 1² तो 4 × कितना 1, तो यहाँ 4 आ माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। तो ये क्या दिया हमारा, पॉजिटिव। ये क्या देगा हमारा, इधर वाला सब पार्ट पॉजिटिव, ठीक है। अब आ जाओ इससे जस्ट छोटा वैल्यू क्या होगा, 0 पुट करके देखो, तो 4 × कितना 0 को छोड़ो क्योंकि 0 पे 0 हो जाएगा, तो पॉजिटिव निगेटिव डिसाइड नहीं होगा। माइनस 1 लेते हैं क्योंकि इससे छोटा वैल्यू माइनस 1 होगा, तो 4 × कितना माइनस 1³ माइनस कितना इधर माइनस 1² माइनस 1³ माइनस 1 तो यहाँ हो जाएगा माइनस 4, और माइनस 1² प्लस 1 तो यहाँ हो जाएगा माइनस 5। तो ये क्या दिया हमारा, नेगेटिव। ये क्या दिया हमारा, नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो क्या देगा हमारा, इंक्रीजिंग। जो ये पार्ट क्या देगा हमारा, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट से 1/4 तक। इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक, 1/4 से इनफाइनाइट तक। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए में क्या हमारा, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा बोलो, इंटरवल 1/4 से लेकर के कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट। देखो इसको बंद करेंगे, इसको ओपन करेंगे। इसको बंद क्यों किए, क्योंकि देखो क्या समझाए थे, जब भी इंक्रीजिंग रहेगा तो जो नंबर होगा उसको हम लोग क्लोज करेंगे। क्लोज मतलब इसको लेके चलेंगे, 1/4 पुट करने पर ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, चलो बी में। उसके बाद कितना बोलो, बोलो अरे बोलो, यहां से लेके यहां तक डिक्रीजिंग ना, पीछे वाला बच्चा सूत्र है क्या रे, कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से 1/4 तक। तो ये ओपन और ये क्लोज, यही हमारा एक आंसर है, और एक आंसर हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम, इसका आंसर मिलाना है 22 का, क्लियर है एकदम आंसर, ठीक है। आ जाओ 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 23rd नंबर क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्व टू हमारे पास x³ माइनस 12x² प्लस 36x और प्लस 17 है, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं, हमें निकालना है इंटरवल किसके लिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स, x³ का डिफरेंशिएशन 3x² 12x² है, तो 2x यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक के बार क्या लिख सकते हैं, 12 24x, और प्लस इधर कितना 36x का 1, 17 कॉन्स्टेंट है तो 0, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स तो ठीक है 3 को कॉमन ले लोगे तो x² माइनस 8x और प्लस कितना 12 हो जाएगा। अरे नहीं होगा, बोलता क्या नहीं है जी, 3 तो ठीक है, इसका फैक्टर तोड़ दो, 12 है तो 6x माइनस 2x और प्लस 12 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो एफ डैश एक्स इज कॉस टू कितना 3, तो यहाँ ठीक है, x कॉमन लोगे तो x माइनस 6, माइनस 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 6। तो ये रहा हमारा एफ डैश एक्स इज कॉस टू कितना 3, तो ठीक है, तो यहाँ रहा x माइनस 2 एंड 2 कितना x माइनस 6, ठीक है।
समझ में आ रहा है? तो बच्चों यहां पर इसके बाद क्या करेंगे हम, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहां हो जाएगा कितना, थ्री इंटू कितना एक्स माइनस टू आई इंटू कितना एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। यहां से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो एक हो जाएगा हमारे पास टू और एक कितना हो जाएगा हमारे पास सिक्स, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इंटरवल निकालना है। तो एक काम करो, पहले इसका स्क्रीन शॉट ले लो, ले लिया बच्चों। देखो x का वैल्यू टू, x का वैल्यू सिक्स आया। अब हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम, इधर नंबर लाइन, इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर कितना हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट। x का वैल्यू टू, इधर लेंगे हम कितना सिक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना निकाले हम यहाँ से, यही यही पार्ट है ना, थ्री इंटू कितना एक्स माइनस टू इंटू कितना एक्स माइनस सिक्स, ठीक है। अब ये सिक्स है तो सिक्स का बड़ा वैल्यू कितना होता है, उसको पुट करके देखो सेवन होता है। थ्री इंटू कितना सेवन माइनस टू इंटू कितना सेवन माइनस सिक्स, तो यहाँ कितना हो जाएगा थ्री इंटू कितना है सेवन माइनस टू कितना फाइव, यहाँ कितना हो जाएगा वन। यहाँ देखो सब पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा पॉजिटिव, इसका मतलब सिक्स के बड़ा वाला वैल्यू जो भी लेंगे इधर वाला पार्ट क्या मिलेगा हमारा पॉजिटिव। आ जाओ टू और सिक्स के बीच का वैल्यू पुट कर दो, थ्री, तो थ्री यहाँ पर कितना हो जाएगा थ्री माइनस टू, यहाँ हो जाएगा थ्री माइनस सिक्स, तो थ्री अपने जगह सही है। थ्री माइनस टू कितना हो गया वन, थ्री माइनस सिक्स कितना हो गया माइनस थ्री, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस नाइन देगा, मतलब क्या देगा नेगेटिव। इधर वाला पार्ट क्या दिया हमारा नेगेटिव, ठीक है। अब चलो टू से छोटा वैल्यू कितना होता है वन, इसमें पुट करके देखो तो वन माइनस टू, इधर कितना हो जाएगा वन माइनस सिक्स, इधर वाला पार्ट कितना थ्री इंटू कितना यहाँ हो जाएगा माइनस वन, यहाँ हो जाएगा माइनस फाइव, मल्टीप्लाई करोगे तो पंद्रह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना जी। ये वाला पार्ट क्या दिया हमारा पॉजिटिव, ठीक है। जो पॉजिटिव पार्ट देगा वो क्या होगा हमारा इंक्रीजिंग, तो ये वाला पार्ट क्या होगा इंक्रीजिंग। नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ से करना है, टू से लेकर सिक्स तक, ये क्या हो जाएगा हमारा डिक्रीजिंग, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग, ठीक है। अब आ जाओ ए के लिए हमारे पास इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या इंटरवल होगा, इंक्रीजिंग ऑन कहाँ से कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक, टू तक, इसको ओपन इसको बंद, और फिर कहाँ से कहाँ तक है, सिक्स से लेकर के कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है, दोनों जगह है ना जी। अब बीच में हम यूनियन, यूनियन मतलब क्या होता है मिला करके, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों में क्या होगा हमारा पार्ट इंक्रीजिंग होगा, समझ में आ रहा है। यूनियन याद करो जब इलेवेंथ में सेट पढ़े होंगे तो वहां पर इसका कॉन्सेप्ट समझाया होगा, ठीक है ना। चलो बी नंबर, यहाँ पर इतना ही समझ में आ रहा है कि दोनों को मिला करके जो मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों साथ में वैल्यू होगा, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह क्या हो जाएगा वैल्यू इंक्रीजिंग करेगा, ठीक है। अब आ जाओ डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए कौन सा पार्ट, नेगेटिव वाला पार्ट, कहाँ से कहाँ तक, टू से लेकर के सिक्स तक, यहाँ टू और यहाँ सिक्स लिखेंगे, दोनों को बंद कर देंगे, तो एक आंसर ये हो जाएगा और दूसरा आंसर हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो यही सॉल्यूशन होगा कितना 23 नंबर क्वेश्चन का, क्लियर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। 24 नंबर क्वेश्चन है fx = x³ - 6x² + 9x + 10, यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशन fx, जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन निकालो, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² - 6 तो सही है, x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x + 9, x का डिफरेंशिएशन 1 और 10 क्या है 0, सॉरी 10 क्या है कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0, तो फाइनली f डैश x = कितना हो जाएगा 3x² - 12x और + 9। यहां से कॉमन क्या लेंगे बोलो, 3 कॉमन लेंगे तो x² - 4x और + 3, ठीक है। x² अपने जगह ठीक है, यहाँ पर इसका फैक्टर कितना होगा 3x माइनस एक्स और प्लस 3 हो जाएगा। ये रहा हमारा एफ डैश एक्स इक्वल टू 3, तो अपने जगह ठीक है, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 माइनस 1, तो x माइनस 3, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना 3, तो हमने क्या किया बाहर में है, यहाँ से क्या हो जाएगा एक बार x माइनस 1, एक क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 3। अब क्या करेंगे, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू कितना x माइनस 1 इंटू कितना x माइनस 3 इसको टू 0। यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे 3 तो बाई क्रॉस होके खत्म, तो यहाँ कितना हो जाएगा एक बार x माइनस 1 बराबर 0, एक बार x बराबर कितना x माइनस 3 इसको टू 0 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ से कितना निकला, एक तो 1 निकलेगा, एक क्या निकला हमारे पास इधर जाएगा तो ये निकलेगा प्लस 3, ठीक है।
अब क्या बनाएंगे हम लोग, नंबर लाइन, क्या बनाएंगे नंबर लाइन। तो देखो नंबर लाइन बनाएंगे, इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर क्या होता है प्लस इनफाइनाइट, तो हमारा वैल्यू आया वन और थ्री। वन यहाँ रखेंगे तो थ्री जाहिर सी बात इससे आगे जाएगा। अब जो डिफरेंशिएशन हो चुका है यहाँ पर, इस वाले पार्ट को यहाँ लिखिए, एफ डैस एक्स इज इक्वल टू कितना है थ्री इंटू कितना एक्स माइनस वन इंटू कितना है एक्स माइनस थ्री, यही है ना। अब देखो ये सब जो इंटरवल है कितना, एक दो तीन पार्ट हो गया, इस तीनों पार्ट में से वैल्यू सब ले लेकर के इसको पुट करके चेक करेंगे किधर पॉजिटिव किस पे वैल्यू लेने पर नेगेटिव आता है, ठीक है। थ्री से जस्ट बड़ा वैल्यू कौन सा होता है फोर, यहाँ पर एक्स के जगह पर फोर पुट करो तो फोर माइनस वन इंटू कितना फोर माइनस थ्री, तो थ्री इंटू फोर माइनस वन कितना हो गया यहाँ थ्री, इधर थ्री फोर माइनस थ्री कितना हो गया वन, तो इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइन, नाइन मतलब क्या निकला हमारा पॉजिटिव। इधर वाला पार्ट पूरा थ्री से लेकर इनफाइनाइट तक सब क्या होगा वैल्यू पॉजिटिव। अब आ जाओ थ्री और वन के बीच का वैल्यू पुट कर दो कितना होता है टू, तो यहाँ पुट करेंगे थ्री टू माइनस वन और यहाँ हो जाएगा टू माइनस थ्री, तो थ्री तो अपनी जगह सही है, टू माइनस वन कितना हो गया वन और टू माइनस थ्री कितना माइनस वन, तो इधर फाइनली कितना हो गया माइनस थ्री, तो मतलब क्या हो गया निगेटिव। इधर वाला पार्ट क्या मिलेगा नेगेटिव, कहाँ से कहाँ तक वन से लेकर के थ्री तक कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या देगा ये निगेटिव, ठीक है। अब चलो वन से छोटा वैल्यू पुट कर दो, वन से छोटा वैल्यू पुट करेंगे कितना होगा जीरो, थ्री इंटू कितना जीरो माइनस वन, यहाँ पुट कर रहे हैं तो जीरो माइनस थ्री, ये वाला कितना हो जाएगा थ्री इंटू कितना यहाँ माइनस वन और यहाँ माइनस थ्री, मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस, यहाँ कितना होगा प्लस नाइन, मतलब क्या हो गया पॉजिटिव आया। वैल्यू कितना आता है उससे फर्क नहीं पड़ता, प्लस दे रहा है कि माइनस दे रहा है, इस बात का ध्यान रखना। इधर वाला पार्ट क्या होगा पॉजिटिव, तो कहां से कहां तक इंक्रीजिंग, माइनस इनफाइनाइट से वन तक क्या होगा हमारा इंक्रीजिंग, ये वाला पार्ट क्या होगा हमारा डिक्रीजिंग, ये वाला फिर पार्ट क्या होगा इंक्रीजिंग, ठीक है। तो अब ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर वन में क्या है, इंक्रीजिंग के लिए हमें क्या लिखना है इंटरवल, तो इंक्रीजिंग ऑन कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से वन तक, तो माइनस इनफाइनाइट से वन, ये ओपन ये बंद, उसके बाद यूनियन कहां से कहां तक थ्री से लेकर के इनफाइनाइट तक, ठीक है। आ जाओ डिक्रीजिंग के लिखते हैं, तो डिक्रीजिंग कहां से कहां तक बोलो, अरे माइनस वाला पार्ट में देखो ना डिक्रीजिंग है कहां से कहां तक, वन से लेकर के थ्री तक, तो वन से लेकर के थ्री तक, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपके बुक में इसका जो डिक्रीजिंग का है यहाँ पर माइनस वन दिया है वो गलत है, ठीक है ना, आंसर सही इसका वन और थ्री होगा, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीन शॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। 25 नंबर क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू सिक्स प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यूब है, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे इधर से सॉल्यूशन हमने लिखा, इसका डिफरेंशिएशन करो तो एफ डैश एक्स सिक्स का है कॉन्स्टेंट तो जीरो प्लस ट्वेल्व इंटू एक्स तो वन, एक्स का वन थ्री तो ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, यहाँ टू ठीक है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एफ डैस एक्स अपनी जगह सही है, यहाँ कितना हो जाएगा देखो 12 प्लस कितना 6x और माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करो देखो x स्क्वायर को पॉजिटिव में रखो, मान लो यहाँ से अगर यहाँ से माइनस सिक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस टू, यहाँ माइनस एक्स और प्लस कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा जी माइनस सिक्स, ठीक है। तो एफ डैस एक्स इक्वल्स टू माइनस तो ठीक है एक्स स्क्वायर को पहले लिखो फिर माइनस एक्स और माइनस टू, एफ डैस एक्स इसका डिफरेंस सॉरी इसका फैक्टर क्या होगा माइनस टू एक्स और प्लस एक्स और माइनस टू, लिख सकते हैं एफ डैस एक्स अपनी जगह बिल्कुल सही है, माइनस सिक्स भी ठीक है, यहाँ से कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस टू और प्लस वन कॉमन लेंगे यहाँ तो एक्स माइनस टू हो जाएगा। तो फाइनली एफ डैस एक्स इक्वल्स टू कितना रहा माइनस सिक्स इंटू कितना एक्स माइनस टू इंटू कितना एक्स प्लस वन हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पुट करेंगे, पुट एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना जीरो, एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना है माइनस सिक्स इंटू कितना है एक्स माइनस टू इंटू कितना है एक्स प्लस वन बराबर जीरो, माइनस सिक्स को बाई क्रॉस करेंगे तो खत्म, तो एक बार एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक बार कितना हो जाएगा एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, x बराबर एक बार कितना हो जाएगा यहाँ से टू, एक बार x बराबर कितना हो जाएगा माइनस वन, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ नंबर लाइन बनाएंगे, क्या बनाएंगे इधर नंबर लाइन, इधर कितना इधर होता है प्लस इनफाइनाइट, इधर होता है माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस वन किधर होगा माइनस इनफाइनाइट की तरफ, माइनस प्लस टू कितना इधर। अब एफ डैश एक्स का वैल्यू लिखो यहाँ पर, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा
माइनस सिक्स एन टू कितना है, एक्स माइनस टू एन टू एक्स प्लस वन है, ठीक है। ये वाला पार्ट हमने यहाँ लिखा। अब चेक करते हैं टू से ज्यादा वैल्यू कितना होता है, थ्री। तो इसमें थ्री पुट करके देखो, माइनस सिक्स यहाँ पर से थ्री माइनस टू इंटू थ्री प्लस वन, यहाँ माइनस सिक्स तो पहले से, थ्री माइनस टू कितना हो जाएगा वन, इधर हो जाएगा कितना फोर, तो ये क्या देगा निगेटिव देगा। ये वाला पार्ट दिया हमारा निगेटिव, माइनस टू और माइनस सॉरी टू और माइनस वन के बीच का कौन सा वैल्यू होता है, वन होता है। तो वन पुट करके देखो यहाँ पर माइनस सिक्स, तो वन माइनस टू यहाँ हो जाएगा वन प्लस वन, तो ये हो गया माइनस सिक्स, यहाँ माइनस वन माइनस टू कितना हो गया माइनस वन, यहाँ टू, देखो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट क्या देगा हमारा पॉजिटिव। माइनस वन से छोटा वैल्यू कितना होता है बोलो, माइनस टू, माइनस टू पुट करके देखो तो यहाँ माइनस सिक्स, यहाँ पर एक्स की जगह माइनस टू, माइनस टू यहाँ माइनस टू प्लस वन, तो यहाँ कितना होगा माइनस सिक्स, यहाँ हो जाएगा माइनस फोर, यहाँ हो जाएगा माइनस वन। यहाँ पर देखो एक मिनट सॉरी, ये ब्रैकेट नहीं होगा, यहाँ तीन ठो माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, फिर क्या हो जाएगा माइन इंटू में माइनस वन जी, यहाँ हो जाएगा देखो माइनस टू माइनस टू, तो यहाँ हो जाएगा माइनस फोर, यहाँ माइनस टू प्लस वन तो माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा निगेटिव देगा। ये वाला पार्ट क्या दिया निगेटिव, इसका मतलब यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन तक क्या होगा डिक्रीजिंग, इस वाला पार्ट माइनस वन से टू तक क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग, इस वाला पार्ट में फिर क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इंटरवल क्या होगा हमारा ए के लिए, इंटरवल क्या है हमारा इंक्रीजिंग के लिए, क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑन कितना माइनस वन से टू, तो माइनस वन से टू दोनों को क्लोज कर दो, उसके बाद डिक्रीजिंग के लिए क्या इंटरवल होगा बोलो, डिक्रीजिंग ऑन कहाँ माइनस वन से माइनस इनफाइनाइट तक, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस वन तक, ये तो इनफाइनाइट हमेशा ओपन, ये इसको क्लोज, फिर यूनियन लिखेंगे कितना टू से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, यही हमारे पास आंसर होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो बच्चों आज से क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन भी आपका धराधर बन रहा होगा, ठीक है ना, पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच।